ऐ जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनावा। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा आओ बैठ जाओ। माशाल्लाह। हाँ ये सब क्या हो रहा है? विया का निकाह किससे हो रहा है? विया का निकाह मेरे बेटे शाफे से। मैंने और तबरेज ने मिलकर प्लान किया था, तुम्हें सरप्राइज देना था ना। तो वहाँ फिर मामू के यहाँ मौजूद होना चाहिए था ना। शाफे तुम्हें पता है कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए उसको जाना पड़ा। तो मामू की वापसी का इंतजार कर रही थी मुझे मामू के बयान सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शाफे मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी थी? मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगी, फिलहाल चलो सब लोग हमें देख रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दरअसल शाफे अपने मामू की गैर मौजूदगी से परेशान हो रहा है। जी मौलवी साहब शुरू कीजिए बच्चों का निकाह, बिस्मिल्लाह करें। बेअली बिनते वाजिद अली, आपका निकाह शाफे वल शफीक अहमद बाएवज 50 लाख रुपए हक के महर सिक्के राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। बिस्मिल्लाह करके अपने कमरे में कदम रखो। कमरा तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी, क्योंकि ये घर ही तुम्हारा है। बैठो यहाँ। माशाल्लाह अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। और तुम अपनी दुल्हन को देखने की बजाय दीवारें क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ ने कब चुपके चुपके सब कुछ कर लिया। बेटा इसी को कहते हैं सरप्राइज, जिसे देखकर लोग दंग रह जाएं। देखा कितनी प्यारी है। अरे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट तो, चलो मेरे साथ नीचे मैं देती हूँ, आ जाओ हम अभी आते हैं। Thank you.
सलमान, तुमने अब तक खाना नहीं खाया था? कहाँ बाजी, पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली सारा दिन, खाना कहाँ? सही कह रहा है, फुर्सत तो मुझे भी नहीं मिली, थक के चूर हो गई हूँ। तो किसने कहा था कि बिया का निकाह कर दो फौरन? वैसे हथेली पे सरसों जमाई है तूने? हथेली पे सरसों मैंने नहीं जमाई, मैमूना बेगम ने जमाई है। एक दिन अचानक नासिर को फोन कर दिया और बातों बातों में बिया के रिश्ते की बात छेड़ दी, और फिर क्या, ना सुबह देखी ना शाम, कभी फोन करती थी कभी खुद आ जाती थी। और फिर तूने और भाई जी ने मिलके फौरन से हाँ कर दी, और हाँ भी गया मंगनी की बजाय निकाह करके उसको रुखसती कर दिया। ना तो तुझे क्यों जलन हो रही है, इतने सवाल क्यों कर रहा है? नासिर की बहन थी, उसने रुखसत कर दिया। अबा जी, ये जो कुछ हुआ ना तेरी मर्जी के मुताबिक हुआ है, और नासिर भाई तो बेचारे मासूम से हैं, उनकी क्या मजाल के कोई फैसला करे, और वो भी इतना बड़ा फैसला। बस बस खाना खा, खाना ठंडा हो रहा है तेरा, और ये फजूल की बातें सोचना छोड़ दे, खाना खा। ये देखो ये कंगन मैंने कब से संभाल के रखे हुए थे, अपनी बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो फिर आए अपने हाथों से पहना दे उसे। नहीं, तुम पहनाओगे उसे। देखो तुम्हारी शादी इतनी इमरजेंसी में हुई कि तुम वेडिंग गिफ्ट भी नहीं ले सके उसके लिए, इसलिए तुम ही पहनाओगे। वैसे माँ, आपने मेरी शादी इतनी इमरजेंसी में की क्यों है? मैं शाम से उलझ रहा हूँ कि आपका और मामू का प्लान क्या, आपको छुपा रही है ना उसे, बताएं मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो मैं बताती हूँ। देखो बिया का भाई नासिर है ना, उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, जो पहली सर्जरी से कहीं ज्यादा रिस्की है। एक और सर्जरी? हाँ, इसके बारे में बिया भी नहीं जानती और तुम भी नहीं जानते, लेकिन ताबिंदा ने किसी वक्त जज्बाती होकर नासिर को बता दिया और वो फिक्रमंद हो गया बिया के लिए, क्योंकि उसकी इकलौती बहन है, और इसी बात से फायदा उठाते हुए ताबिंदा ने अपने निकम्मे भाई से उसकी शादी तय कर दी। मुझे सलमान है उससे? हाँ बेटा, और अंदर ही अंदर वो उन दोनों की शादी की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने नासिर से तुम्हारे लिए प्रपोजल मांगा वो तो फौरन राजी हो गया, बल्कि उल्टा उसने मेरी मिन्नत की कि मैं जल्द अज जल्द तुम दोनों का निकाह कर दूँ, इसलिए मुझे इमरजेंसी में ये करना पड़ा। अच्छा, मामू को बताता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि अपने फोन से ना थोड़ी सी सेल्फीज खींचता हूँ अपनी और भैया की, उन्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। शाफे एक मिनट, मैं तबरेज को बता चुकी हूँ, लाओ अपना फोन मुझे दो। माँ, एक घंटे से तुम मुझसे बहस कर रहे हो यहाँ, वो दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या सोचती होगी वो तुम्हारे लिए? माँ फोन। जाओ। अगर मैं तुम्हारे घर प्रपोजल भेज दूँ तो हमारी शादी हो जाएगी हमारे घर वालों की मर्जी से। मुझे यकीन है तुम मेरे बारे में ही सोचेंगे। भैया, अगर आज मैं कहूँ कि मैं बहुत मोहब्बत से उम्र भर साथ देने के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा भरोसा करोगी? कर रहा हूं कि तुमने यह हाथ पूरा दिल से
हमेशा के लिए था। Thank you for helping me. میرے پروردگار، تو نے ہر بیماری میں شفا رکھی ہے، تو چاہے تو ہر بیماری کی شفا دے سکتا ہے، تو مردوں میں جان ڈال دینے والا ہے، الہی میرے شافی کو بھی شفا عطا کر دے، اس کی عمر دراز کر دے، اور میری بہو کو بھی ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ، پروردگاروں سے بھی کچھ نہ ہو، میرے مولا، تو ان دونوں کو خوش رکھنا، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا آج دن میں بھی چاند دکھائی دے رہا؟ دن میں چاند؟ چاند تو بس رات کو نظر آتا ہے، دن میں تو آسمان پہ سورج کی حکومت ہوتی ہے۔ تو پھر اپنے سورج کو دیکھو نا۔ کیسے دیکھوں سورج کو؟ سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، اور اتنی تیز روشنی کو دیکھنے کے لیے مجھے سن گلاسز لگانے پڑیں گے۔ I'm sorry. Actually, شاید نہیں ہوں، ساری زندگی میتھس پڑھا ہے، تو مجھے وہ خوبصورت باتیں کرنا نہیں آتی جن سے لڑکیاں جو ہیں امپریس ہو جاتی ہیں۔ اچھی بات وہ ہوتی ہے جو آسان الفاظ میں اپنا مطلب سمجھاتے ہیں اور دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا لے۔ تمہیں پتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک تم میری آنکھوں کے سامنے رہو اور تمہاری آنکھوں میں میں رہوں۔ بڑے سیلفش ہیں آپ، دونوں طریقے سے آپ نے اپنا ہی فائدہ سوچا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، لیکن باتیں بنانا آپ کو اچھی طرح آتا ہے۔ زندگی میں جتنی میتھس آپ نے پڑھی ہے نا، اسے استعمال کرنا بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ۔ اچھا، کیسے؟ جتنی محبت آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، اس سے دگنی وصول کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میں غلط کیا ہے بھیا؟ اگر محبت کو محبت مل جائے گی تو ملٹی پلائی ہوگی نا۔ بھیا تمہیں مجھ سے محبت تو ہے نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئے، بس تم دونوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ خوش ہو نا؟ اچھا لگ رہا ہے ایسے دیکھنا تمہیں۔
नीचे आ जाओ, नाश्ता एक साथ करते। बिया तुम्हें कुछ खास खाना है तो बता दो। नहीं, जैसे आपकी मर्जी। चलो ठीक है, आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। जी मैम। मेरा ना बड़ा ही दिल था बिया के ससुराल में नाश्ता लेकर जाती, पर ये मेमुना बेगम, उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया। कहने लगी हमें नहीं पसंद ये फजूल की रस्म रिवाज, देखो जरा। अब्बा जी, उनको तो कुछ भी पसंद नहीं है, ना लड़के की बारात लेकर आए और सीधा सीधा काजी को पकड़ के नकाब पड़ा दिया, और ऊपर से बोला क्या जी, सुनती तरीका। वाह, ये क्या बात है, अभी नाश्ता ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। इनको ना रस्म रिवाज पसंद ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये कोई वलीमा शलीमा भी करेंगे कि नहीं। मैमुना बेगम वलीमा जरूर करेंगे, और वैसे भी हमारी शरीयत में सिर्फ वलीमे का हुक्म, बाकी सब रस्म और रिवाज फजूल की बातें हैं। अच्छा किया मैमुना बेगम ने जो साथ की थी शादी की। और नहीं तो क्या, अच्छा ही किया जो सादगी से किया। भला बिया को हम रुखसत कर सकते थे? देखो ना, तुम्हारे भाई जी जब से बीमार हुए हैं, हमारी माली हालत भी तो ठीक नहीं थी ना। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ बाजी, कि वो पता नहीं वलीमा करते भी हैं कि नहीं, अभी तक बताया कुछ नहीं ना उन्होंने। ओहो, शाफी के मामू यहाँ नहीं है, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो जैसे ही वापस आएंगे ना तो देखना बिया का वलीमा कितने धूमधाम से होता है। इंशाल्लाह। लो, चाय तो आपकी बिल्कुल ही ठंडी हो गई, मैं ताजी बनाकर लाती हूँ। अभी लेकर आए। अजी पानी नहीं? पानी है मेरे पास। शाफी, क्या बात है, तुमने आज भी ठीक से नाश्ता नहीं किया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी बेटी? माँ, तबीयत तो ठीक है, बस पता नहीं क्यों नाश्ते के वक्त जी नहीं चाहता कुछ खाने को मेरा। और बिया, तुमने भी कुछ ज्यादा खाया नहीं है। मैं इतना ही खाती हूँ आंटी। आंटी, खबरदार जो मुझे आज के बाद आंटी कहा होगा। तो मैं शाफे की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हूँ, जैसे ये मुझे माँ कहता है तुम भी मुझे माँ कहोगी। जी। क्या जी? जी माँ। हाँ भाई, तुम्हारा हनीमून का क्या प्लान है? तुम्हारे हनीमून ट्रिप का सारा खर्चा मेरी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है, एक दो दिन में निकल जाओ बस। एक दो दिन? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे दूल्हा दुल्हन तो वलीमे के अगले दिन ही बेचैनी से निकल जाते हैं हनीमून के लिए। तो माँ वलीमा तो बोले ना थे हमारा भी। हाँ, वलीमा भी तो होना है, सेन से निकल गया मेरे। भाई मामू कब आएंगे वापस? आपने मेरा फोन लिया था ना, दे मुझे, मैं मामू से बात करता। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ, उन्होंने शादी की मुबारक भी नहीं दी मुझे। This is not fair. हाँ बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी भाई तबरेज को क्या हो गया, ऐसे भी क्या मसरूफियत है। खैर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उसकी अच्छी तरह खबर लेंगे, अभी फोन करते हैं। हाँ तुम ऐसा करो कि बिया को इसके मैके ले जाओ, इसके भाई भाभी से मिलवाने, और तुम अच्छी तरह तैयार होके जाना, तुम्हारे घर वाले खुश होंगे। जी माँ। Nice. Give it to me. क्या कर रहे हैं आप? मैं पहन लूंगी, छोड़ें। क्या मतलब है भाई, मैं तुम्हें पाजेब भी नहीं पहना सकता। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप मेरे पांव को हाथ लगाएं। I'm sorry, लेकिन तुम्हारी सोच इंतहाई रवायती बीवी वाली। Give it to me.
मैं पहना तो हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी बीवी नहीं हो बल्कि मेरी दोस्त भी हो और महबूब। और वैसे भी महबूब के कदमों तले आशिक अपने हाथ बिछाने को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। एक बात तो बताओ, आखिर मेरी माँ ने तुम पे ऐसा क्या पढ़ के फूंक दिया था कि तुमने फौरन उसे शादी के लिए आ कर दी और बताया भी नहीं? सच बताओ? Absolutely, बिल्कुल सच बताओ, क्योंकि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से सब सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे आपसे शादी के लिए मेरे भैया ने राजी किया था। What? भैया, are you serious? भैया, बेटा हर लड़की की एक ना एक दिन शादी होना होती है। उसे अपना घर, अपने माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़कर जाना होता है बेटा। भैया, मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे भी शादी नहीं करनी। भैया, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और शाफी की माँ तो ये भी कह रही थी तुम शादी के बाद जॉब कर सकती हो और अपने घर के अखराजात उठा सकती हो। बल्कि वो तो ये भी कह रहे थे कि वो इस घर को भी अपने घर की तरह ही चलाएंगे। नहीं भाभी, हमारे घर के अखराजात कोई और उठाई मेरी खुददारी कभी कबारा नहीं करेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की खुददारी, उसका जमीर, उसके जिस्म के साथ साथ अपाहिज हो गया है, मर गया? नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी वहां किसी लालच के तहत कर रहा हूं? भैया, मैंने शाफे की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, रिस्पेक्ट देखी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बिया को बहुत खुश रखेगा। भैया, मैं बिया, देखो अगर तुम्हें शाफे पसंद नहीं है तो तुम्हारे पास इनकार करने का बेटा पूरा हक हासिल है। नहीं तो बेटा मेरी बात मान लो, मैं राबिया को ये हक नहीं दे सका और ना ही मैं उसे इज्जत से रुखसत कर सका। लेकिन अगर तुम इज्जत से अपने घर चली जाओ तो राबिया का दुख कुछ कम हो सकेगा। क्या करें भैया, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो फिर बेटा इस निकाह से इनकार मत कर, प्लीज भैया इनकार मत कर। तो इसका मतलब है कि मेरे बारे में तुमसे जो कुछ भी कहा तुम्हारे भैया ने कहा। क्या तुम्हारा अपना दिल मेरे नाम पे एक बार भी नहीं धड़का? क्या तुम्हारे अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी जिसने तुम्हें हाँ करने पे मजबूर कर दिया? मेरा दिल पहले ही आपके नाम से धड़क चुका था। अब जाए ना, जाए, लेट हो रहे हैं, प्लीज। 5 मिनट कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम्हारा क्या दिल चाहता कि सिर्फ तुम प्यारी लगो? मैं ही अच्छी लग रही हूँ। जाए भैया, वेट कर रहे होंगे। भाई मामू कब आएंगे वापस? आपने मेरा फोन लिया था, दे मुझे, मैं मामू से बात करता हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ? उन्होंने शादी की मुबारक भी नहीं दी मुझे। अभी तो शाफी को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, जब तबरीज को ये मालूम होगा तो पता नहीं कैसी कयामत उठाएगा। यार अल्लाह, मैं क्या करूँ? जज्बाती होकर जज्बाती में बहुत बड़ा काम कर बैठी। अब इसे संभालने में तू ही मेरी मदद करना।
माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो दोनों, अल्लाह सलामत रखे। शाफे शाफे सलाम अलैकुम। भांजे कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपसे नाराज हूँ। क्यों भाई, क्यों नाराज हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, मेरी बीवी को कोई दुआ नहीं दी है आपने? अच्छा ये छोड़े, मुझे बताएं शादी का तोहफा क्या लेके आए मेरे लिए? बीवी? एक जरूरी फोन करना था, भूल गई थी, अभी आती हूँ। कब हुई तुम्हारी शादी? मामू प्लीज रहने भी दें अब आप। शादी कब हुई? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। आपने माँ के साथ मिलकर जो मुझे सरप्राइज देना था मिल गया मुझे। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मामू बस भी कर देना, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। बिया के साथ कल ही तो मेरी शादी हुई है। शादी के अपल के सादा से निकाह हुआ, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आप थे नहीं तो माँ ने कोई रस्म भी नहीं की। अच्छा तुम लोग गालिबन कहीं जा रहे थे? जी बिया को इसके भैया से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सर मैं अभी फ्लाइट से आया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, शाम को बैठेंगे फिर विल सेलिब्रेट। हाँ अल्लाह। कर ली ना तुमने अपनी मर्जी, बाज नहीं आई तुम, ढा दिया एक मजलूम पे जुल्म तुमने जो तुम ढाना चाहती थी। मैमुना मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस घिनौने जुर्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तुमने जो करना था वो कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मैंने तुमसे कहा था। नासिर तैयार हो गए आप? मैंने क्या तैयार होना है काबिंदा, मैं तो कब का तैयार हूँ, बस ऐसे ही वक्त गुजार रहा था। चलें मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। खाना तो तैयार हो गया ना? जी जी सारा कुछ तैयार हो गया है, बल्कि एक डिश तो मैंने बिया की पसंद की बनाई है। बहुत अच्छा किया तुमने, बिया शाफे के साथ आ रही है। जी जी दोनों इकट्ठे ही आ रहे हैं, बल्कि वो तो पहुंचने वाले होंगे। अच्छा चलो फिर मुझे जल्दी से बाहर ले चलो। कॉफी? मैंने खान चाचा से कहा है कॉफी के लिए। खान चाचा की बनाई हुई कॉफी में और मेरी बनाई हुई कॉफी में फर्क है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, खान चाचा जब मेरे लिए कॉफी बनाते हैं ना तो वो बेलॉस और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे होते, और आज तुमने ये जो कॉफी बनाई है ना इसमें तुम्हारी मोहब्बत नहीं तुम्हारी गर्ज शामिल है। मेरी बेबसी को मेरी गर्ज मत कहो तबरेज। बेबसी या बेहिसी? बेहिसी बेबसी, काश तुम मेरी जगह होते तो ये समझ सकते। काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने बेटे के लिए किसी मासूम की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाता, बल्कि मासूम की जिंदगी की भी फिक्र करता। मैं अपने बेटे की तरफ बढ़ते हुए मौत के कदम हरगिज किसी मासूम की जिंदगी की तरफ ना मोड़ता। चाहे वो तड़प तड़प कर अपनी खुशियों की भीख मांगता रहता तब भी ना करते तुम ऐसा? नहीं देता, कभी नहीं देता। मैं किसी और को तड़पा कर कभी भी उसको मुस्कुराहट ना देता। मुझसे शाफे का बिया के लिए तड़पना नहीं देखा गया, इसलिए गलती कर बैठी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपने अंदर की खुदगर्ज ममता का गला नहीं घोट सकी।
मेरे बेटे की मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। मैमुना, बहरहाल तुमने जो कुछ किया वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन अब भी वक्त है, हम बिया की जिंदगी बचा सकते हैं। HIV का वायरस इतनी जल्दी मुंतकिल नहीं होता। क्या क्या कह रहे हो तुम? हम बिया को बचा सकते हैं मैमुना, वो आएगी तो हम उसे सब कुछ बता देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं उसे जरूर बताऊंगा। तुम उसे नहीं बताओगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखो, तुम थोड़ी देर में मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैमुना, मैमुना, शाफे, थैंक यू। वेलकम। हाँ भाई, क्या प्लान है? कहाँ चल रहे हैं हनीमून पे? फिर पता नहीं। तुम्हारी पसंदीदा जगह कौन सी है वैसे? पाकिस्तान। मेरा दिल चाहता है कि मैं पहले पाकिस्तान के सारे नॉर्दर्न एरियाज घूमूं। नॉट अ बैड आइडिया। ऐसा करते हैं, पहले पाकिस्तान घूमते हैं, उसके बाद फिर वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? क्यों, हम सारी उम्र खाना बदोश रहेंगे? बड़ा है खाना बदोश की। एक पाकिस्तान घूमेंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो उंगली आई इन्होंने, तो मोहब्बत करने वाले खाना बदोश ही तो होते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में भैया ने आराम कर लिया होगा, इजाजत लेते हैं उनसे, मामा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं भाभी को भी देख लेती हूँ। बहुत देर से किचन में, ये ना हो कि डिनर की तैयारी कर रही हो। अच्छा सुनो, अगर भाभी तुम्हें रात के लिए रोके ना, प्लीज रुकना नहीं। शाफे, अरे बाजी, बड़ा शौक था तुम्हें ना नेक परवीन बनने। बिया की शादी उस अमीरजादे से कर दी है बड़ी खुशी से। बिया की शादी मैंने नेकी का काम समझ के नहीं किया, और ना ही मुझे वो अमीरजादा पसंद था। पसंद नहीं था तो बिया की शादी उसे क्यों की? वादा तो मुझसे किया हुआ था ना तुमने, तुझसे शादी करवाऊंगा। तेरी शादी बिया से कर देती ना, तो बिया की थोड़ी सी तनख्वाह पे सारी उम्र तरस तरस के लोगों की आशाएं देखती और बचत करके महीना गुजारती। और शाफे से बिया की शादी का मतलब हम खूब मजे से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करके जिंदगी गुजारती, और बिया की सास से मैंने बिया के नाम नफके के नाम पर पता है कितना महाना लिखवाया है? पूरे 1,00,000 रुपए महाना खर्च, और तुम्हारे भाई जी के इलाज के अखराजात भी, और इस घर में रह रहे हैं ना, ये भी खरीद के दे चुके हैं। इतनी आसानी से मैंने बिया का रिश्ता नहीं कर दिया उनसे। अच्छा ठीक है, जो भी है, मुझसे शादी तो नहीं ना करवाई तूने? इस तरह तुम मौत का परवाना तो अपने नाम जरूर लिखवा लेती, लेकिन क्या बिया और शाफे को इस अजियत से बचा सकती थी तुम? उनकी जिंदगी तो इसी तरह सिसक सिसक के खत्म होगी। हाँ, तुम्हारी मौत की वजह से उनके दुखों में एक दुख और बढ़ जाएगा। मुझे मौत से बचाकर तुमने कौन सा उनको इस खौफ से निजात दिला दी? तुम तो खुद उन्हें जिंदा दरगोर करने का फैसला किए बैठे। ठीक है, आज मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या यह घिनौनी हकीकत उनसे पोशीदा रह सकेगी? क्या मेरे चुप रहने से मौत उल्टे कदम वापस लौट जाएगी? तबरेज, मौत का तो एक दिन सबके लिए मुकद्दर, मौत आती है और जिंदगी को ले जाती है, लेकिन अगर मौत से पहले मौत की खबर आ जाए तो
انسان ایک سولی پر ٹنگ جاتا ہے، خوف کی وہ سولی اسے نہ زندوں میں رہنے دیتی ہے نہ مردوں میں، قطرہ قطرہ ملتی ہے موت بھی اور زندگی بھی. میں اپنے بیٹے شافے کو جانکنی کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، زندگی سے چند خوشیاں چھین کر اس کی جھولی میں ڈال دی تو کیا ہوا؟ لیکن اس معصوم بیا کا کیا قصور؟ اس سے زندگی کی خوشیاں کیوں چھین لی تم نے؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ میری طبیعت خراب تھی صبح سے تو دوا لینے لگی نا، ایک دم چکر آ گیا، ہاتھ سے دوا چھوٹ گئی ساری. وہ تو اچھا ہوا کہ تبریز آ گیا، اس نے مجھے سنبھال لیا. ٹھیک ہوں میں. بیا کہاں ہے؟ بیا اپنے کمرے میں چینج کر رہی ہے. اچھا اچھا، تم ایسا کرو نا کہ وہ ماموں کے ساتھ جا کے ذرا ولیمے کے ارینجمنٹس دیکھ لو. ہاں بیٹا اب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بالکل. وہ خان چاچا کو بھیجو ذرا. شادی میں نے نیکی کے کام سمجھ کے نہیں کیا، تیری شادی بیا سے کر دیتی نا تو بیا کی تھوڑی سی تنخواہ پہ ساری عمر ترس ترس کے لوگوں کی آسائشیں دیکھتی اور بچت کر کے مہینہ گزارتی. اور شافے سے بیا کی شادی کا مطلب ہم خوب مزے سے اپنی ساری خواہشیں پوری کر کے زندگی گزارتی. اور بیا کی ساس سے میں نے بیا کے نام نفقے کے نام پر پتہ ہے کتنا ماہانہ لکھوایا ہے؟ پورے 1,00,000 روپے ماہانہ خرچ، اور تمہارے بھائی جی کے علاج کے اخراجات بھی، اور اس گھر میں رہ رہے ہیں نا، یہ بھی خرید کے دے چکے ہیں. اتنی آسانی سے میں نے بیا کا رشتہ نہیں کر دیا ان سے. بھابھی نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے مجھے بیچ دیا، سودا کر دیا میری عزت. ان لوگوں کے ہاتھوں میں شافے اور اس کی ماں کو کتنا اچھا سمجھ رہی تھی، اور یہ لوگ. یہ دیکھو. Is it okay? Yes. ٹھیک ہے جی. لو بھائی یہ اسٹیج بھی ہو گیا، فائنل مینیو بھی سلیکٹ ہو گیا. اب جو بیٹا مہمانوں کی لسٹ ہے نا وہ صبح بنائیں گے، اس وقت میں بہت تھک گیا. اچھا صرف ایک منٹ، ایک منٹ. میں نے جو ولیمے کے کارڈز کے ریفرنسز کلیکٹ کیے ہیں نا میں وہ آپ کو دکھا دوں. ہاں ہاں. ارے ہاں، کچھ کارڈز میرے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھے ہوئے، ان سے بھی کوئی آئیڈیا مل سکتا ہے. میں ابھی لے کر آتی ہوں. نہیں نہیں نہیں، آپ رہنے دیں، میں لے کے آتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہاں پر ہیں. بس وہ رائٹ سائڈ والا دراز کھولو گے نا، اوپر ہی کارڈ نظر آ جائے گا. رائٹ، میں لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی لے کے آتا ہوں. Thank you. Radical approach. Thank you.
जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी।